वडोदरा शहर जिला के सहकारी क्षेत्र की अग्रेसर मानी जाती वैसी बरुरा डेयरी में आने वाले 2 महीनों के लिए प्रमुख और उप प्रमुख पद पर नियुक्ति की गई, जिसमें प्रमुख के लिए सतीश निसाड़िया तथा उप प्रमुख पद के लिए हाल ही में भाजपा में जुड़े वैसे कृपाल सिंह की नियुक्ति करते हुए तमाम को शुभकामना दी गई। वडोदरा जिला की सहकार क्षेत्र की अग्रेसर मानी जाती वैसी बरुरा डेयरी में आने वाले 2 महीनों के लिए प्रमुख और उप प्रमुख के लिए चुनाव के तहत आज नियुक्ति की गई, जिसमें जिला भाजपा प्रमुख सतीश पटेल तथा उप प्रमुख पद के लिए कृपाल सिंह महाराउल की सर्वानुमत से वर्णी की गई है। जाहिर सी बात है कि उप प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए वैसे कृपाल सिंह महाराउल हाल ही में 4 दिनों पहले ही कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जुड़े हैं। ऐसे में कृपाल सिंह महराउल की उप प्रमुख पद पर वर्णी होने के साथ राज्य के माहौल में भी चर्चा का विषय बना है। बरुरा डेयरी के बोर्ड रूम में आज विशेष बैठक का आयोजन तथा चुनाव का आयोजन किया गया था। आने वाले जुलाई महीने में बरुरा डेयरी के बाकी के 2.5 सालों के लिए प्रमुख और उप प्रमुख के तौर पर नव नियुक्त जोड़ी यथावत रहे या नहीं, वो भी एक चर्चा का विषय बना है। जाहिर सी बात है कि जिला क्षेत्र की अग्रेसर बरुरा डेयरी में पहले 2.5 साल की मुद्दत खत्म होने में 2 महीनों का वक्त बाकी है। ऐसे में 2 महीनों के लिए प्रमुख पद के लिए सतीश निसाड़े तथा उप प्रमुख पद के लिए कृपाल सिंह महोराल की वर्णी की गई है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पादरा की बैठक पर से बरुरा डेयरी के प्रमुख दिनेश पटेल ने यहां पर जंग छेड़ते हुए चुनाव लड़ने के बाद डेयरी के प्रमुख पद से अपना इस्तीफा दिया था। ऐसे में बरुरा डेयरी में शुरू हुए विवाद के चलते उप प्रमुख जीवी सोलंकी ने भी कार्यकारी प्रमुख तथा उप प्रमुख पद से अपना इस्तीफा दे दिया। आखिरकार प्रमुख और उप प्रमुख की खाली बनी जगह के लिए आज चुनाव का आयोजन किया गया। आने वाले 2 महीनों के लिए प्रमुख उप प्रमुख के आयोजित किए गए ये चुनाव में पहले से निर्धारित वैसे जिला भाजपा प्रमुख तथा बरुरा डेयरी के डायरेक्टर सतीश पटेल उर्फ निसाड़िया को प्रमुख के तौर पर तथा 2 दिन पहले ही कांग्रेस से नाता तोड़कर भाजपा में जुड़े डायरेक्टर कृपाल सिंह महारावल की उप प्रमुख पद पर सर्वानुमत से 2 महीनों के लिए वर्णी की गई है, जिसके तहत आज नव नियुक्त पद पर वैसे तमाम होदेदारों के लिए पटाखे फोड़कर खुशी का जश्न मनाया गया और उनके समर्थकों द्वारा उन्हें शुभकामना देते हुए बरुरा डेयरी पर आ पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी में कोई पण कार्य करो ये पड़कारो झीली ने कोई पण पड़कारो आता है ने झीली ने कई रीते लोकोनु सारू थाय ने लोकोना माटे सारा निर्णय करवा ए अमारा प्रायोरिटी होय छे। कयो पड़कार लागे छे तमने अत्यारे? अमने कोई पड़कार नहीं, कारण के पड़कार विना ने जिंदगी पण नकामी होय छे। त्यारे अमे तो भारतीय जनता पार्टी ना कार्यकर छे, मारा धारासभ्य पण भाजपना छे, अमे साथे बेसीने संस्थानु सारू थाय लोकोनु सारू थाय एवा निर्णय करी छे। 2 મહિના બાકી છે, વિવાદ ના થાય એટલા માટે પ્રમુખને ડેરીનું સુકાન સોંપાયું છે। એ વસ્તુ અમારા પ્રદેશના મોડી મંડળનો નિર્ણય છે, એમાં અમારે કઈ કઈ એવું એ અમારા માટે વધુ કહેવાય, એટલે પ્રદેશના મોડી મંડળ જે કઈક નિર્ણય કરતા હોય એ અમે સ્વીકારતા હોય। બરોડા ડેરી શું આપશે હવે? હવે શું કયો પડકાર છે લોકોને, શું આપશો ખાસ? 2 મહિના બાકી છે, લોકો યાદ રહે માટે। એ તો આવનાર સમય કહેશે, જો બેલેન્સ શીટ મેં જોઈ નથી, આજે ખુરશી પર બેઠો હોય અને તમે આજે મને પૂછશો તો હું એનો કઈ રીતે જવાબ આપી શકું। 4 દિવસમાં એન્ટ્રી અને સાથે સાથે અને લોટરી ના કહેવાય, ખરેખર તો સાચા ઉત્પાદકને આજે જે પદ મળ્યું છે એવું કહેવાય, અને લોટરી ના કહેવાય। આશા હતી જ, કારણ કે મને વિશ્વાસ હતો, જે દિવસે હું જોડાયો તે દિવસે મને વિશ્વાસ હતો આદરણીય પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી પાટીલ સાહેબ અને ભાજપ મોવડી મંડળનો મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો, કારણ કે જે વિસ્તારમાંથી હું આવું છું ત્યાં ઉત્પાદકો વધુમાં વધુ દૂધ ભરે છે, ગરીબ મધ્યમ વર્ગ આદિવાસી બક્ષી પંચ ના ઉત્પાદકો મારા વિસ્તારમાં છે, આખા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં। વર્ષોથી આપ ડેરી સાથે સંકળાયેલા છો, ગરમીની મોસમ ચાલે છે, દૂધ ઉત્પાદન ઓછું મળતું હોય છે, જથ્થાને પહોંચી વળવા માટે હવે કયો નવો પડકાર છે? દૂધનો પુરવઠો એકદમ જે જોઈએ એ પ્રમાણે પૂરતો છે, એમાં બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। આવનારા દિવસોમાં દૂધનો પુરવઠો બી કેમ કરીને વધે, પશુપાલનનો વ્યવસાય કેમ કરીને આગળ વધે, એના પર અમારું પ્રથમ પ્રાધાન્ય હશે, એની ચિંતા તમે કરશો ના, દૂધ છે પૂરતું અને દૂધ બધાને મળી રહેશે। ચિંતા તો ઉત્પાદકોને વધારે ભાવ મળે એની ખરેખર કરવાની છે આજની તકે। 2 મહિના બાકી છે, 2 મહિના માટે પાર્ટી આપણા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, શું આપશો પાર્ટીને? પાર્ટીનો આ તકે હું આભાર માનું છું, વધારે હું કંઈ કહેવા માંગતો નથી। આ તકે મને 2 મહિનાનો બીજો સમય આપ્યો પાટીલ સાહેબે, એમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। આવનારા દિવસોની અંદર પણ હું આભાર માનતો રહીશ। 3 ધારાસભ્યોની નારાજગી હતી, 2 જણાના ભોગ લેવાય નારાજગીને કારણે, આપ શું કહેશો હવે એ ધારાસભ્યને કેવી રીતે ડેમેજ કેવી રીતે કંટ્રોલ કરશો?
ये पार्टी नो विषय छे अने पार्टी जे नक्की करे ए प्रमाणे थतुं होय छे ए विषय मारो नथी ए पार्टी नो विषय छे।